अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं एमएम टाइम न्यूज़ और हमारे सहयोगी चैनल। जैसा कि अहमद भाई ने कल एक न्यूज़ चलाई थी और फेसबुक पे एक अपलोड किया था पत्रकारों को लेकर, हम उनसे जानेंगे आखिर क्यों पत्रकारों पर वो भड़के और क्यों नाराज़ है पत्रकारों पर। अहमद भाई, आपने कल एक फेसबुक पर एक पत्रकारों को लेकर कुछ पत्रकारों को अपने नाम लिया, तो क्या है ये पूरा मामला पत्रकारों को लेकर? और आपने दादी कंपाउंड में एक बच्चे का मुद्दा लेके उठाया था और एक पत्रकार ने वहाँ पर एक न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद ही आपने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या है स्टेटमेंट पत्रकारों को लेकर? असल में साजिद भाई, आप कोई भी न्यूज़ लो तो दोनों तरफ लो, ये राजनीतिक मुद्दा है तो आप है ना दोनों तरफ लो, ऐसा नहीं कि एक तरफा लो। आप कभी भी जो है एक को बढ़ावा देना और एक को घटाना, तो ये इससे क्या होता है, पब्लिक को तुम है ना मिसगाइड कर रहे हो। असल में तुम्हारी न्यूज़ है ना पब्लिक देखती है, तुम्हारे पे ना कुछ लोग ऐसे भी है कि आप पे भरोसा करते कि ये जो न्यूज़ चली है ना ये सही न्यूज़ होएंगी, और आप उनको नहीं मालूम है कि आप खोटी न्यूज़ चला रहे, खोटा खोटा कर रहे हो, कहीं कभी फोटो, कहीं कभी कुछ भी लाके डाल के, कहीं भी मालूम पड़ा कि कहीं नारियल पहले के फूटे ले वो लाके बीच में बता रहे। तो इस वहाँ पे 200 रुपये का भी जिक्र किया है, 200 रुपये के पत्रकार, ऐसे कौन से पत्रकार है जो 200 रुपये में बिके, अपने पत्रकारों पर डायरेक्ट आरोप लगाया है? देखो भाई, आपको भी मालूम है, मैं और मेरे साथ में और भी पत्रकार है, बहुत से पत्रकार हैं, आप भी है, आप सभी लोग हैं। बाकी मैंने कभी आप लोगों को ये बोला क्या आप 200 रुपये वाले, 300 रुपये वाले, ऐसा नहीं है। किसी के नाम नहीं लिया? नाम नहीं, मेरा ये बोलने का मतलब है कुछ भी जो है वो कैसे, वो 500 लेते 3 लोग बांट लेते, तो इस तरीके का मत करो। मेरा ये बोलने का मतलब है जो सही है वो सही बताओ, गलत मत बताओ। पब्लिक मिसगाइड हो रही है, पब्लिक क्या समझ रही है कि ये यही विकास है, ये जो हम झूठ बोल रहे हैं यही विकास है, असल में ये विकास नहीं है, ये नाश है, नाश। मेरा ये बोलने का मतलब, मेरे सभी जो पत्रकार हैं मेरे भाई है जी। तो मेरा और भी मुद्दा है, जैसा कि आपने गार्डन का मुद्दा उठाया और सड़क का मुद्दा उठाया, गड्ढे का मुद्दा उठाया, उस गड्ढे के मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे विपक्ष के नेताओं को? हाँ देखो, ये बहुत अच्छी बात बोले, अभी जैसे वो दारूफला का मसला आया, दारूफला के हमने वहाँ पर जो है ये हुआ कि वहाँ की दीवारें तोड़ा जाए और उसको बड़ा किया जाए, वो गली को बड़ा किया जाए, और दूसरा ये कि वहाँ पर दुकानें बनाया नहीं जाए, वहाँ पर एक ऐसा छोटा मोटा गार्डन जो बेचारे बच्चे खेलते रहे और कुछ हमारे जो उम्र दराज लोग हैं उनके कुछ बैठने का एक वो बना दो, क्या इससे ये हो? अब उसके अंदर जो है ये न्यूज़ वहाँ की चली नहीं, जो कि मेन मुद्दा है, ये चाटुगिरी ने तो फिर क्या है, फिर मैं नहीं बोलूं कि तुम 200 रुपये वाले हो। हाँ, मेरा तो जी जाएगा मैं मारूं पकड़ के, कि इस पब्लिक का मुद्दा है, बोलो, सभी पत्रकारों को बोलना है तुम चाटुगिरी मत करो, उधर तुमको 500 दे देता है तो तुम उसकी लाल करते रहते हो, उसके पीछे पीछे फिरते रहते हो, ऐसा मत करो, जो सही है उसको बताओ, मैं भी गलत हूँ तो मेरे को भी बोलो। अभी कुछ समय में, कुछ महीने बाद बीएमसी का मुद्दा, बीएमसी का भी है, टीएमसी का भी है, और इसी वक्त पे आपकी आवाज उठती है, ऐसे विपक्ष का भी कहना है, विपक्ष पार्टियों का भी कहना है, पर इसी वक्त पे आपकी आवाज उठती है? ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी हमने नशे के खिलाफ आवाज उठाए, कोई नेता उठाया गया यहाँ पर? आप ही लोग ने उठाए ना, आप ही लोगों का साथ था ना जी, उस टाइम पे ये क्यों नहीं उठाए? ये उठाते, ये अपना उल्लू सीधा करते, 500 रुपये 200 रुपये रैली में देके पब्लिक को, भीड़ को जमा करते, तो ये आपने भी देखा है जी। मेरा ये बोलने का मतलब है मुद्दा हमेशा हम उठाए। आज ये जितेंद्र आवाड़ साहब ये बोल रहे कि भाई अनलीगल बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए, कितनी बनी, अभी आईटीआई डालो, मैंने डाला हूँ आईटीआई, उनके दौर में कितनी बिल्डिंगें बनी आप देख लो, और मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही गिन लो जाके कब बनी है और कब नहीं बनी है। आपका तो कहना है कि जो आप आवाज उठा रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टी को आवाज उठाना चाहिए और यहाँ से भ्रष्टाचार और ये सब नशे का कारोबार खत्म होना चाहिए। ये इनका काम है जी। इनके पास में शासन है, प्रशासन है, सारी चीजें इनको चाहिए, हमारे जैसे को नहीं चाहिए। बाकी तुम फेल हो गए मुमरा के अंदर, तुम पूरा फेल हो गए,
आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आप फेल हो गए। अभी सिर्फ आपके पास में पैसे की ताकत है, आप बैनर लगा देंगे, बहुत बहुत होगा पूरे मुमड़ा के अंदर बैनर लगा देंगे, आप वो ताकत दिखाएंगे, बहुत होएगा तो दो दो पाँच पाँच सौ रुपये वाले पब्लिक को लाके रोड के ऊपर खड़ा कर देंगे, ये आपका वो विकास होगा, ये आपकी वो रहेंगी कि भाई हमारे साथ में पूरी पब्लिक है, जनता है, असल में जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत बहुत होएगा अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ये झूठे केस बनाएंगे, ये औरतों को तैयार करेंगे कि भाई 354 376 ये इनमें इतनी कैपेसिटी है तो, और इनके जितने जो चमचे हैं वो उनमें गवाह भी पैदा हो जाते हैं, या तो तड़ी पार ही निकालेंगे लास्ट में, फिर क्या होएगा, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको तड़ी पार करेंगे, एक को तो किए, हमको दो बार किए, तो चलो हम आ गए। एक बेचारे हमारे सेफ भाई, वो देखो तो आज 8-9 महीना हो गया। तो जो हक की बात करेगा उसका इस तरह का। और दूसरी बात, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, जेल भी है उधर भी खाना मिलेगा, बाहर है बाहर भी खाना मिलेगा, सब जगह खाना मिलता है, अल्लाह ताला का वादा है, मैं तुमको भूखा नहीं रखूँगा। बस आप सभी चैनल के माध्यम से क्या विपक्ष पार्टी को और सत्ताधारी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहोगे इसमें? मैं जितनी सत्ताधारी पार्टी है मैं उनको बोलूँगा झूठ बोलना बंद कर दो, और पत्रकारों से ये बोलूँगा झूठे न्यूज लगाना बंद करो, बस ये मेरी आप लोगों से विनंती है। बस ठीक है, हमारे कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।